हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे व्यू ग्लो लेड टीवी 50 इंच के बारे में। ये गूगल टीवी है और जो इसका सबवूफर है वो 104 वाट का है। डीजे के टाइप का इसकी वॉइस है, बेस जो है वो बहुत अच्छी है। तो चलिए अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो साथ में आया इसका एक ये वॉल माउंट है, जो स्टैंड दीवार का जो होता है वो साथ में आया है। और अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं और क्या चीज़ें साथ में आई है और क्या कुछ फीचर्स इसमें है। तो पहले इसको ओपन कर लेते, निकाल लेते हैं। ये जो टीवी है ये बेजल लेस टीवी है दोस्तों। तो अभी हम इस एलईडी को निकाल लेते बाहर और ये देखिए इसका जो कुछ पोर्ट दिए हुए हैं, एचडीएमआई के 3 पोर्ट है इसमें। एक सर्विस का है एंटीना का और एक अपना एवी का है, एक ईयरफोन का है और 2 है हमारे यूएसबी के। तो ये कुछ पोर्ट्स वगैरह दिए हुए हैं इसमें। उसके अलावा आ जाता हमारा ऑप्टिकल केबल का, लैन का, यहाँ से हम डायरेक्ट अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। और एक हमारा डिजिटल ऑडियो आउट का, यहाँ पे हम स्पीकर की लीड वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए ये पीछे हमारा दिया है सबवूफर, इसकी बेस बहुत अच्छी है। ये सबवूफर जो है 104 वाट का ये स्पीकर है और ये कुछ इसका एलईडी के बारे में बताया हुआ है। 126 सेंटीमीटर की है 50 इंची एलईडी और लाइट जो है इसको 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक चाहिए सरकारी लाइट। और ये इसके साथ आया वॉल माउंट और एक हमें इसके साथ मिल जाती है ये बुकलेट। बुकलेट के अलावा एक 4 स्क्रू मिलते हैं टेबल स्टैंड के और एक हमें मिल जाता है एक छोटा सा स्मार्ट रिमोट और 2 बैटरी। ये कुछ इसमें हॉटकीज वगैरह है, गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन है, बाकी इसमें वॉल्यूम चैनल और अप डाउन राइट लेफ्ट ओके का, ऑन ऑफ का बटन है और इनपुट का, और एक बटन है हमारा इसमें सेटिंग का। तो ये कुछ इसमें रिमोट में फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है एक ये पावर केबल और ये है एवी 3-in-1 इसको बोलते हैं लीड को, एवी केबल है। इसकी जगह हम एचडीएमआई भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इसका वॉल माउंट जो है वो सेट कर रहे हैं पीछे की तरफ, फिर इसको हम वॉल करके और इसकी सेटिंग्स वगैरह आपको दिखाएंगे। तो वॉल माउंट हमने पीछे सेट कर दिया है, तो इसको लगा के हम मेजरमेंट करके और इसको चला के दिखाएंगे। तो ये देखिए जो वोल्ट बता रहा था मैं वो 100 वोल्ट से 240 वोल्ट है और ये 115 वाट की जो है कंजप्शन यूज़ करेगा, जो बिजली खपत है वो 115 वाट लेगा। तो टीवी हमारा स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में गूगल टीवी आ गया। तो सेटअप हम अपना बेसिक ही करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सेटअप गूगल या बेसिक, हम बेसिक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वाईफाई का ऑप्शन आ गया है, वाईफाई कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड डाल देंगे और वाईफाई को जो है कनेक्ट कर देंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हम और जो इसमें कुछ फंक्शंस वगैरह वो चीज़ें दिखा देंगे। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो गया है, तो हमारे जो गूगल सेटअप है उसमें हमने इसमें क्लिक कर दिया है। तो वापस बैक आके हम दिखाएंगे कुछ चीज़ें। तो चलिए वापस बैक जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट कर दिया, फिर एक्सेप्ट का आ गया, फिर से एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारा रिमोट पेयरिंग का आ गया। यहाँ पे हम होम बटन और बैक एरो का निशान है, इसको एक साथ प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हमारा रिमोट जो है वो पेयरिंग हो जाएगा। तो रिमोट हमारा पेयर हो चुका है। उसके बाद ऑप्शन आता है फिर से एक्सेप्ट का, यहाँ पे हम स्किप करेंगे। स्किप या एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट कीजिए वरना स्किप कर दीजिए। तो ये कुछ स्टार्टिंग में सेटिंग्स वगैरह होती है, सेटअप वगैरह, ये करके हम होम पेज पे आ जाएंगे। तो सेटअप जो हमारा फिनिश हो गया है और ये है हमारा होम पेज। यहाँ पे लाइव टीवी चलेगा, ये कुछ ऐप वगैरह है, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, मीडिया सेंटर, ब्राउजर, गेमिंग वगैरह, डिवाइस असिस्टेंट। और उसके बाद इनपुट आ जाता है, इनपुट में हमारा केबल वगैरह चलेगा, कैमरे वैमरे लगाने हो HDMI से तो वो चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है, जो AV है नीचे AV का भी ऑप्शन है, जो 3-in-1 लीड दिखाई थी मैंने आपको। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। तो ऊपर गूगल टीवी है सेटअप, तो हमने बेसिक किया हुआ है। यहाँ पर चैनल एंड इनपुट,
उसके बाद डिस्प्ले एंड साउंड, डिस्प्ले में पिक्चर वगैरह साउंड वगैरह आ जाती है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड पे ऑटोमेटिक है कंपनी के थ्रू, और इसको जो है हम अपने हिसाब से भी अपना सेट कर सकते हैं। ऐसे ही साउंड को हम अपनी हिसाब से सेट करेंगे, बाकी जो कंपनी से है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पे है ये, तो इसको हम अभी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम रीसेट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है नेटवर्क का, यहाँ से हमने वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अकाउंट एंड साइन इन, यहाँ पे हम अपना मेल आईडी पासवर्ड डाल के हम अपना गूगल अकाउंट जो है वो बना देंगे। उसके बाद आता प्राइवेसी का, फिर ऐप्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें सभी ऐप्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पे हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं कुछ अपनी तरफ से पासवर्ड वगैरह। ये सिस्टम है, सिस्टम में सभी चीज़ें आ जाती है, पूरी एलईडी के बारे में एसेसिबिलिटी है, अबाउट, अबाउट के बारे में, इसका एलईडी का नाम है, रीसेट का ऑप्शन है, कौन सा मॉडल है इसमें, कौन सा ओएस वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नेल वर्जन है ये, अपग्रेड होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा, तो उसको हम वाईफाई से अपने इस एलईडी को जो है अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे मिल जाता हमें डेट एंड टाइम का, तो डेट एंड टाइम ऑलरेडी पहले से ही सेट है इसकी, तो वापस बैक आ जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर दी है इसमें। फिर मिल जाता हमें कीबोर्ड, कीबोर्ड हम अब यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देते हैं मैनेज कीबोर्ड से, कौन सा कीबोर्ड हमें चाहिए। उसके बाद स्टोरेज आ जाते हैं, स्टोरेज में जाके चेक करते हैं, ये कुछ पहले जो ऐप ऑलरेडी इसमें लिस्ट है वो कुछ एम बी वगैरह ले रखे है, अभी फ़िलहाल इसमें 6.8 GB फ्री है अवेलेबल जो है, ये देखिए 6.8 GB इसमें अवेलेबल है अभी भी। ये एम्बियंट मोड है। उसके बाद पावर एंड एनर्जी, यहाँ से हम अपनी पावर को कम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यहाँ से हम सिस्टम साउंड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं, ये कुछ कॉन्ट्रास्ट शेयरिंग वगैरह है, स्टोर मोड का भी ऑप्शन इसमें। उसके बाद रीस्टार्ट, रीस्टार्ट हमें एलईडी करना है तो यहाँ से होगी। उसके बाद रिमोट एंड एसेसरीज में जाते हैं, यहाँ से हम अपने अगर ब्लूटूथ वाले स्पीकर भी कनेक्ट करना चाहते हो या ईयरबड कनेक्ट करना चाहते हो वो भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, यहाँ से कुछ हमें एलईडी के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपके सामने यूट्यूब चला के दिखा देते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो और भी हमारी आती रहेगी आगे, तो अभी हम आपको चला के दिखाते हैं वीडियो यूट्यूब पर, 4K वीडियो चलाएँगे, और पिक्चर क्वालिटी देखना इसकी बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर देते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। पिक्चर क्वालिटी देखिए बिल्कुल सोनी के टक्कर की है।